नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे केचुओं के वर्गीकरण के बारे में। तो ये भोजन की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केचुए, दूसरे होते हैं मिट्टी खाने वाले केचुए। तो जो कार्बनिक पदार्थ खाने वाले केचुए होते हैं वो केवल 10% मिट्टी खाते हैं और 90% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं, जो सड़े गले गोबर इत्यादि ये सब इसी में आते हैं। तो इन्हें केचुआ खाद बनाने वाले केचुए भी बोलते हैं और ये सबसे ज़्यादा उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में होते हैं। और जो हम उपयोग कर रहे हैं हमारे खेत में, मैं जो वर्मी कंपोस्ट बनाने में उपयोग कर रहा हूँ आइसिनिया फोर्टीडा किस्म को, वो भी इसी वर्ग में आती है। दूसरा वर्ग है वह है मिट्टी खाने वाले केंचुए, और इस वर्ग के केंचुए 10% केवल कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और 90% ये मिट्टी खाते हैं। और ये केंचुए मिट्टी के अंदर, खेत के अंदर सुरंग बनाकर रहते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन ये खेत के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। केचुओं के वर्गीकरण की जानकारी, यदि आप इसी तरह की जानकारी वर्मी कंपोस्ट से संबंधित, खेती से संबंधित चाहते हैं, तो मेरे चैनल जैविक किला को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।